कल से इंटरमीडिएट की परीक्षा शुरू हो रही है। इसको लेकर अधिकारियों ने कमर कस ली है। भागलपुर जिले में 50 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों में 39,493 परीक्षार्थी शामिल होंगे। इसमें से 20,718 छात्र व 18,775 छात्राएं शामिल होंगी। शहर में 30, नौगछिया में 6, नाथनगर में 4, कहलगांव में 6 और सबौर में 4 केंद्र बनाए गए हैं। इसमें से 4 परीक्षा केंद्र आदर्श परीक्षा केंद्र है। केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहेंगे। 2 बार परीक्षार्थी की जाँच होगी। मजिस्ट्रेट की तैनाती रहेगी। सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में परीक्षा होगी। इस बार परीक्षा केंद्र से 10 मिनट भी देर होंगे तो उन्हें केंद्र में प्रवेश करने नहीं मिलेगा। वहीं परीक्षार्थियों को सहूलियत भी दी गई है। दरअसल इस बार परीक्षार्थियों को जूता मोजा पहनने दिया जाएगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार ने परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि सारी तैयारियां कर ली गई है। कदाचार मुक्त परीक्षा सम्पन्न कराया जाएगा। केंद्र में देरी से पहुँचने पर प्रवेश नहीं मिलेगा। कल से 2024 की इंटरमीडिएट की एग्जामिनेशन प्रारंभ होने जा रही है और हम लोग ऐसे किसी तैयारी के सिलसिले में विद्यालयों में ऐसे एक विजिट कर रहे हैं। आप लोग सब लोग जानते हैं कि इसकी तैयारी हम लोग 10 दिन पहले से शुरू कर दिए हैं। 3-4 दिन पहले टीचर्स का रैंडमाइजेशन से इन्विजिलेटर के रूप में पोस्टिंग भी हो गई है। अब केवल एक ही चीज़ बची थी कि ये सारे बच्चों को बैठने के लिए सीट प्लानिंग हुई है कि नहीं। तो सारी जगह सीट प्लानिंग भी हो गई है। टीचर्स भी ऐसे इन्विजिलेटर के रूप में कार्य करने के लिए पर्याप्त मात्रा में आ चुके हैं। विद्यालय भी मेरा खुला रहे जिन विद्यालयों में एग्जामिनेशन नहीं हो रही है, और एग्जामिनेशन जहाँ पर एग्जामिनेशन हो रहे हैं वहाँ मतलब बेहतर ढंग से संचालित हो, किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं। पहले आने को लेकर हाँ ये आप कह से कि बच्चों के एडमिट कार्ड में भी अंकित है समय, उस समय के बाद अर्थात 9 बजे के बाद कोई बच्चे ऐसे कि विद्यालय आएंगे तो उनके लिए ऐसे कि गेट बंद हो जाएंगे। कितने सेंटर? टोटल 50 सेंटर हैं भागलपुर जिले में। आदर्श केंद्र से? आदर्श केंद्र 4 है जो केवल है ऐसे कि गर्ल्स बच्चियों के लिए, लड़कियों के लिए। कदाचार मुक्त परीक्षा हम लोगों तो बेहतर ढंग से ऐसे कि कदाचार मुक्त परीक्षा कराते रहें, और इसलिए आप भागलपुर को ऐसे कि आप सारे लोगों के सपोर्ट से भी एग्जामिनेशन कराते हैं। मैसेज हम लोग का ऐसे कि बहुत सही है। 2 बार लगातार हम लोग ऐसे सम्मानित भी होते रहे हैं तो एग्जामिनेशन कदाचार मुक्त होगा और बहुत ही ऐसे कि फिर साथ साथ ऐसे कि किसी प्रकार की कोई अनियमितता ऐसे बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जदयू के विधायक गोपाल मंडल लगातार अपने दिए बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। ऐसे में एक और जहां ईडी के द्वारा लालू परिवार पर शिकंजा कसा गया और इसको लेकर के बिहार की राजनीति गर्म है, वहीं गोपाल मंडल का एक बार फिर से बड़ा बयान सामने आया है जिसमें गोपाल मंडल ने लालू प्रसाद के सभी बच्चों को निर्दोष बताया है। गोपाल मंडल ने कहा कि ईडी बेवजह तेजस्वी को परेशान कर रही है। जिस समय यह मामला दर्ज हुआ उसमें लालू प्रसाद के पुत्र तेजस्वी नाबालिग थे। देखिए भाई, जहाँ तक सवाल है मैं कोनो बात ही नहीं करता हूँ, विवाद बोलता हूँ। तेजस्वी पर जो ईडी ने ताना कस रहा है या पूछ रहा है, जिस टाइम में जमीन के एवज में नौकरी दिया हो लालू यादव ने, उस टाइम तो बहुत छोटा था, हॉस्टल में पढ़ता था, तो उसको झूठो न बजरा रहे हैं। ये नहीं करना चाहिएगा। तेजस्वी बिल्कुल इनोसेंट है, निर्दोष है। कोई भी बच्चा निर्दोष है, सब बच्चा निर्दोष है, चाहे मिसा भारती हो, जो भी हो, दोषी हो सकते हैं लालू जी राबड़ी जी, लेकिन उनके बाल बच्चे दोषी नहीं हो सकते हैं। उनके नाम पर जमीन लिया गया था। अरे उनके नाम पर लिया तो उनके बाप ने दिया, और उसको भी डी पूछे जो जमीन दे के नौकरी लिया, उसको पूछवे नहीं करता है। हमको कोई अभी देने के लिए आएगा, ले लीजिए 5 करोड़ रख लीजिए, एक मिनट देरी करेंगे, रखिए लेंगे ना, रख लेंगे। कोई देने के लिए आएगा लक्ष्मी तो लेंगे नहीं, ईडी पूछे कि कोई पूछे। बिहार सरकार कृषि विभाग द्वारा 2 दिवसीय जिला स्तरीय कृषि यंत्रीकरण मेला का आयोजन जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। वहीं इस कार्यक्रम के दूसरे दिन समापन समारोह का आयोजन किया गया। इस मेले में कृषि संबंधित यंत्रों की प्रदर्शनी लगाई गई, साथ ही इसकी बिक्री भी की गई। वहीं कृषि विभाग के पदाधिकारी अनिल कुमार यादव ने बताया कि इस यंत्रीकरण मेले में किसानों को कम से कम सब्सिडी पर यंत्रों को उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे किसान सुगमतापूर्वक किसानी कर अपनी आय को बढ़ा सके। वहीं 2 दिवसीय जिला स्तरीय कृषि यांत्रिक मेला में कृषि विभाग के दर्जनों पदाधिकारी व सैकड़ों किसान मौजूद थे। 2 दिवसीय कृषि यांत्रिकरण मेला लगाया गया था जिले में, भागलपुर जिले में।
उसमें 48 तरह के कृषि यंत्रों के लिए लोगों ने आवेदन किया था, उन सबको हम लोग परमिट दिए थे, 553 परमिट दिया गया था और उसके विरुद्ध परचेज किए गए हैं जिसमें सभी तरह के कृषि यंत्र शामिल हैं और छोटे से बड़े, बड़े यंत्रों में रीपर कंबाइंडर है, रीपर है, रोटावेटर, कल्टीवेटर और वीडिंग मशीन, फिर और भी जितने यंत्र लोग पंप सेट, लपेटा पाइप, सभी तरह के यंत्रों पर सब्सिडी है, नेपसेक स्प्रेयर, तो चाहे वो जुताई के हो, कटाई के हो, बुआई के हो, सभी में के यंत्रों पर सब्सिडी के अनुसार आवेदन दिया गया और परचेज कर रहे किसान। आज अंतिम दिन है लेकिन मेला इस अवसर पर इसलिए लगाया जाता है ताकि किसान एक दूसरे को देख सके और वहाँ बार्गेन कर सके कि भाई वो यदि उतने में दे रहा है, दूसरे यंत्र कितने में हैं और एक जगह उनको सभी तरह के कृषि यंत्र सही कीमत पर मिल जाती है, दिखाई देती है और एक दूसरे से तुलना करके लोग बेहतर उत्पाद कौन सा है उसके लिए वो सिलेक्शन कर पाते हैं। उस सिलेक्शन के आधार पर वो यहाँ भी लेंगे और यहाँ के बाहर भी 5 तारीख तक ये ओपन है, दिनांक 5 फरवरी तक के लिए परमिट वैलिड है उनका, उस तारीख तक वो सभी अपने कृषि यंत्र को खरीद लें। और किसानों से भी अनुरोध है कि यथाशीघ्र जिनको परमिट मिला है, चूँकि ये लॉटरी के माध्यम से परमिट दिया गया है, इसमें विलम्ब नहीं करें। विलम्ब करने में ये दिक्कत होती है कि फिर आप वंचित रह जाएंगे, 5 के बाद स्वतः ये परमिट स्वतः रद्द हो जाएगा, तो रद्द हो जाने के बाद फिर नए लोगों को अवसर मिलेगा। तो आप उन लोगों से, आपके चैनल के माध्यम से आह्वान भी है कि आप लोग निश्चित रूप से जिनको परमिट मिला है अपने कृषि यंत्र को यथाशीघ्र खरीद लें ताकि हम तत्काल सब्सिडी के आधार पर ही उनको मिलता है और जो सब्सिडी की राशि है वो सरकार को के माध्यम से यहाँ से हम लोग जब भेजेंगे तो वो चली जाती है संबंधित कंपनी के पास चली जाए। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है, जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। भागलपुर की जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल मायागंज के कोरोना वार्ड में कार्य कर रही सुलोचना कुमारी की आज विदाई कर दी गई। इस विदाई समारोह में चिकित्सकों ने सुलोचना कुमारी को पुष्पगुच्छ देकर व सम्मान स्वरूप उपहार देकर उन्हें विदा किया। विदाई से सम्मान समारोह में डॉक्टर राकेश कुमार, डॉक्टर हेमशंकर शर्मा के अलावे दर्जनों चिकित्सक व कर्मी मौजूद थे। भागलपुर के सुंदरवती महिला महाविद्यालय में 3 दिवसीय शिल्प प्रदर्शन सह जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया जो 31 जनवरी से 2 फरवरी तक चलेगी। इसका आयोजक हस्तशिल्प सेवा केंद्र पटना व दृष्टि फाउंडेशन के द्वारा किया जा रहा है। वहीं मौके पर मौजूद महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर मुकेश कुमार सिंह एवं कार्यक्रम पदाधिकारी यूनिट 1 के डॉक्टर हिमांशु शेखर, कार्यक्रम पदाधिकारी यूनिट 2 के डॉक्टर पृथा बासु ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। वहीं सैकड़ों छात्राएं भी इस प्रशिक्षण सह जागरूकता कार्यक्रम में मौजूद रही। 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में कई विशेषज्ञ अपनी कला की बारीकी को बताने के लिए महाविद्यालय पहुंच चुके हैं। इस प्रशिक्षण सह जागरूकता कार्यक्रम में मंजूषा पेंटिंग, टिकुली आर्ट, सिक्की आर्ट के अलावे कई तरह के कलाओं का प्रशिक्षण देंगे। वहीं संस्थान बेहतर करने वाले छात्रों को पुरस्कृत भी करेगी। ये कार्यक्रम जो है आज का, ये बहुत ही यूनिक कार्यक्रम SM कॉलेज द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है। ये दृष्टि फाउंडेशन के तरफ से हम लोगों के साथ कोलैबोरेट करके ऑर्गेनाइज किया गया है। इसके तहत हम लोग मंजूषा पेंटिंग, टिकली आर्ट, एप्लैक, ब्लॉक पेंटिंग वगैरह में ट्रेनिंग देंगे, जिसके लिए 6-7 लोगों की टीम दिल्ली से हमारे यहाँ आई है। वो 3 दिन तक इन सारी चीज़ों की ट्रेनिंग देंगे। सारे डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स हैं, इसके लिए ट्रेनिंग देंगे। इसके लिए हमारे करीब 100 बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस प्रोग्राम में, और ये इलेबोरेट ट्रेनिंग है और ये वन ऑफ अ काइंड ट्रेनिंग है जो हमारे कॉलेज में अरेंज किया जा रहा है। और ये लोगों के, बच्चों के भविष्य के लिए बहुत अच्छा है। एक तरफ तो ये प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बेहतर है, एक अलग तरह का
उद्योग उद्यम सिखाता है बच्चों को, और दूसरी तरफ किसी भी आर्ट फॉर्म, किसी भी तरह के म्यूज़िक आर्ट वगैरह से अगर बच्चे सीखे रहते हैं तो आने वाली ज़िंदगी में इन्हें बहुत बहुत ही सहूलियत हो जाती है अपने के। ये 3 दिन का हम लोग का ट्रेनिंग प्रोग्राम है, 3 दिनों का ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो डेली दिन भर चलेगा हमारा।